शुक्रिया रबिया खान। मुहर्रम अल हराम के पेश नज़र कोयटा शहर में दफा 144 नाफिज करते हुए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुहर्रम अल हराम के दौरान कोयटा में सिक्योरिटी के इंतजामात से मुतालिक बता रहे हैं मुजीबुल्ला। आज बिल्कुल महकमा दाखिला बलोचिस्तान की जानिब से कोयटा शहर भर में जो है वो दफा 144 नाफिज करते हुए डबल सवारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और इसके साथ ही साथ असले की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी का नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी कर दिया गया है। यकम मुहर्रम से लेकर 10वें मुहर्रम अल हराम तक जो है वो कोयटा शहर में डबल सवारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और साथ ही साथ जो शहर भर की सिक्योरिटी है, मस्जिद हैं, इमाम बारगाहें हैं और दीगर जो अहम मकाम हैं, अहम दफातर हैं, मराकज़ हैं, वहाँ पर जो है ना वो सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरास हैं उससे भी निगरानी का सिलसिला जारी है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया और जो है आवेजा सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब हैं, उससे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर की सूरतयाल का वक्तन फोक्तन जायजा लिया जा रहा है और खसूसन इमाम बारगाहों और मसाजिद की सिक्योरिटी पर FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जो भी इमाम बारगाह और मसाजिद में एंटर हो रहे हैं सर्च स्वीप चेकिंग के बाद ही उसको एंट्री की इजाज़त दी जा रही है और जो है वो दफा 144 शहर भर में नाफिज है। जी प्रिया।